नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बाल लीला, जो कि 11वीं हिंदी एवं भारतीय की पांचवी कविता मध्ययुगीन काव्य में भाग दो है। भाग एक जो है भक्ति महिमा, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया पहले से ही, तो अगर आपको देखना होगा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो इस कविता के कवि हैं संत सूरदास जी। इनका जन्म हुआ था 1478 को दिल्ली में, और कौन सा गाँव था, सीही नामक गाँव में। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गऊ घाट पर रहें, तो ये इनकी आरंभिक जगह है कि कहाँ पर रहे थे आरंभ में। तो ये आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे गऊ घाट इस स्थान पर रहे थे। इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से है, सुरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। उसके बाद है काव्य प्रकार। तो एक कविता जो है एक पद है, पद मतलब एक प्रकार से गीत होता है जिसे गाया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, गेय शैली है, यानी कि इसे गाया जा सकता है पद को। अब देख लेते हैं काव्य परिचय की यहाँ पर बताया क्या गया है। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बाल हट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं सूरदास जी, ये अधिकतर इनका लेखन कार्य श्री कृष्ण पर ही निर्भर रहता था। ये श्री कृष्ण के बारे में ही लिखा करते थे, ये श्री कृष्ण के भक्त थे। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है, श्री कृष्ण की बाल लीला होगी। देखो बाल लीला नाम से ही साफ हो रहा है, बाल यानी बचपन की लीला है, श्री कृष्ण की बचपन की लीला है। तो यहाँ पर बताया गया कि श्री कृष्ण चांद को पाने की हट लेकर बैठे हैं अपनी माता से, यशोदा माता से कह रहे हैं कि मुझे वो चांद ला कर दो। तो अब उनकी माता यशोदा जी कैसे उनकी इस जिद को पूरी करती हैं, कैसे उन्हें मनाती है, यही सब बताया गया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक इनकी तस्वीर दी हुई है आपकी किताब में, टेक्स्ट बुक में, ठीक है, पोएम के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इनके बारे में एक रोचक बात बताऊँ, ये देख नहीं पाते थे, ये अंधे थे। बहुत लोगों का मानना है कि ये बचपन से ही अंधे थे, बचपन से ही इनकी आँखें ख़राब थी। और बहुत इतिहासकार कहते हैं कि बाद में जब संसार में बुराइयाँ बढ़ गई तो ये संसार की बुराइयों को देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी आँखों को नुकसान पहुँचा लिया और अंधे बन गए। तो ये इनकी एक तस्वीर है, काल्पनिक तस्वीर। तो चलिए चलते हैं हमारी मुख्य कविता की तरफ। सबसे पहली ये जो पंक्ति है वो पढ़ लेते हैं। बार बार जसुमती सुत बोधती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, आपन खहें तो ही खवावे। तो यहाँ पर यशोदा जी, ठीक है, माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण को चुप कराने के लिए चंद्रमा से कहती हैं कि हे चंदा, तुम आ जाओ, मेरा लाल, मेरा बेटा तुम्हें बुला रहा है। यह मधु, मधु यानी कि शहद खिलाएगा तुम्हें, मेवा खिलाएगा, तरह तरह के पकवान खिलाएगा, मिठाई खाएगा, तुम्हें भी खिलाएगा और खुद भी खाएगा, इसलिए जल्दी तुम आ जाओ मेरे बेटे के पास, मेरे लाल के पास आ जाओ। आगे क्या दिया देख लेते हैं। हाथ ही पर तो ही लीने खेले, नैकू नहीं धरनी बैठावे। तो यहाँ पर यशोदा जी चंद्रमा से कहती हैं कि तुम आ जाओ मेरे बेटे के पास, वो तुम्हें हाथ में रखकर खेलेगा, भूमि पर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भूमि पर नहीं बिठाएगा, अपने हाथों से, अपने हाथ में रखकर तुम्हें खेलेगा। उसके बाद आगे क्या दिया है, जल बासन कर ले जू उठावती, याही मैं तुम तन धरियावे। तो यहाँ पर यशोदा कहती हैं एक पानी का बर्तन, ठीक है, पानी का बर्तन लेकर आती हैं और कहती हैं कि हे चंद्रमा, तुम शरीर का रूप धारण करके, एक मानव का रूप धारण करके इसमें आ जाओ। देखो अब क्यों इन्होंने ऐसा कहा कि इस पानी के बर्तन में आ जाओ, भला चंद्रमा थोड़ी पानी के बर्तन में आ सकता है, ये आगे की लाइन पढ़ के हमें पता चले। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आनी वह चंद दिखावे। तो सबसे पहले यशोदा जी चंद्रमा से आग्रह करती है, विनती करती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ इस बर्तन में, मेरा बेटा तुम्हें बुला रहा है। उसके बाद आगे क्या दिया है देखो, बड़े अच्छे सुनो। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही अन्य हो वह चांद दिखावे। तो यशोदा जी वो जो पात्र रहता है पानी से भरा, उसे भूमि पर रख देती है, और भूमि पर रख देती है उस पानी से भरे हुए पात्र को, बर्तन को, तो चंद्रमा की परछाई उसमें दिखने लगती है। और बाल कृष्ण समझते हैं कि चंद्रमा इसमें आ चुका है, और वो हाथ मारने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए उस पानी में। सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्याने, बार बार दोहु कर नावे। तो श्री कृष्ण को, बाल श्री कृष्ण को ऐसा लगता है कि उस बर्तन में, पानी के बर्तन में चंद्रमा आ चुका है, तो वीर वो खुश हो जाते हैं, हंसते हैं और बार बार अपना हाथ उस पानी में मारते हैं चंद्रमा को पकड़ने के। उठिए शाम कलेऊ कीजिए, मनमोहन मुख निरखत जी जाए। श्याम यानी कि देखो हमें पता है श्री कृष्ण का रंग क्या था, वो सांवले रंग के थे, तो यही यहाँ पर उन्हें कहा गया है श्याम, यानी कि हे मेरे श्याम तुम उठो, कलेवा कर लो, कलेऊ कीजिए यानी कि क्या, कलेवा होता है नाश्ता, सुबह का नाश्ता। तो यशोदा माता कहती हैं अपने पुत्र से, श्री कृष्ण से, कि तुम उठो और नाश्ता करो, मनमोहन मुख निरखत जीजे। मनमोहन अर्थात क्या, मनमोहन अर्थात ऐसी कोई चीज़ जो हमारा मन मोह ले, हमारा दिल जीत ले।
तो श्री कृष्ण का चेहरा यशोदा माँ के लिए ऐसा ही था। यशोदा श्री कृष्ण का चेहरा देखकर सब कुछ भूल जाती थी, मोहित हो जाती थी उनका चेहरा देखकर। खारी के दाग खोपरा खीरा, देखो यहाँ से जितना आगे लाइन में बताया गया कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, इसमें आपको प्रश्न भी पूछा गया है स्वाध्याय में इसी पर आधारित कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों का नाम बताया गया है, तो आप ये लिख सकते हो अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो। क्या क्या दिया है? खारिक दाख खोपरा खीरा, खारिक यानी होता है छुहारा, छुहारा दाख यानी होता है किशमिश, खोपरा खीरा। तो ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और क्या क्या इनके लिए आया है श्री कृष्ण के लिए वो भी बताया गया है। केरा, केला, आम यानी कि आम पता ही है, ऊख रस यानी कि गन्ने का रस, ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी सफरी च्यूरा अरुण खुबानी, देखो जो ऐसे शब्द रहते हैं जैसे श्रीफल चिरौंजी सफरी, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इसका सरल भाषा में मतलब, क्योंकि ये ब्रजभाषा के काव्य हैं, ब्रजभाषा की ये रचना है। तो ऐसे ऐसे देखो ऐसे शब्द पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में, परीक्षा में 4 या 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और हर कविता के एंड में, हर कविता हर पाठ के एंड में शब्दार्थ बॉक्स एक दिया रहता है जिसमें कुछ कठिन शब्दों का सरल भाषा में मतलब दिया गया होता है, इसलिए आपको ना ऐसे शब्दार्थ वाले बॉक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सफरी च्यूरा अरुण खुबानी यानी कि यशोदा माता अमृत भी लेकर आती हैं, च्यूरा लेकर आती हैं, खुबानी, खुबानी भी एक फल होता है, घेवर फेनी और सुहारी, घेवर भी लेकर आती हैं, फेनी, ये सब पदार्थ, सब पकवान ये सब लेकर आती हैं श्री कृष्ण के लिए उन्हें मनाने के लिए। सुहारी, सुहारी का मतलब होता है पूड़ी, सुहारी खोवा सहित खाऊ, यानी कि उनसे कहती हैं, श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम इस सुहारी को, इस पूड़ी को खोवा के साथ खाओ, बलिहारी, ठीक है, खोवा सहित खाओ बलिहारी, तुम खाओ और मैं तुम्हारे इस मुख को, सुंदर से मुख को देखकर सब कुछ हार जाऊंगी, अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगी। उसके बाद आखिरी पंक्तियाँ देख लेते हैं क्या दिया है। रची पिराक लड्डू धदियानो, देखो पिराक का मतलब होता है, पिराक एक बहुत कठिन शब्द है, इसका मतलब होता है गुजिया जो दिवाली पर बनता है। ऐसे कठिन शब्दों को आपको पढ़ना ही होगा गाइस, तभी आप इसे समझ पाओगे, ठीक है। एक बार टेक्स्ट बुक आप रीड करो, सिर्फ किसी का वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आप एक बार टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। हिंदी को भी हल्की में लेना नहीं है। रची पिराक लड्डू ददियानो यानी कि मैं तुम्हारे लिए गुजिया लेकर आई हूँ, लड्डू लेकर आई हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर क्या दिया है, तुमको भावद पूरी संधानो, लेकिन मुझे पता है तुम्हें तो पूरी और संधानो, संधानो यानी अचार, तुम्हें तो सिर्फ पूरी और अचार अच्छा लगता है, तब तमो रुचि तुम्हें खवाओ, यानी कि तुम्हें जो खाना है वो खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक पान बनाऊंगी, पान लेकर आऊंगी, सुरदास पनवारो पावो, यानी कि सुरदास को भी मैं उसमें से पान दूंगी, उन्हें भी नाश्ता मिलेगा, उन्हें भी भोजन मिलेगा, उनका भी जलपान किया जाएगा। तो बस दोस्तों यही थी आज की कविता, आज का ये पद था सुरदास जी का, बहुत ही छोटी सी थी लेकिन इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका आपको अभ्यास करना होगा, तब जाके उसका आपको मतलब पता चलेगा। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, धन्यवाद।